एपिसोड थ्री में आप लोगों ने देखा कि किस तरह एक माफिया ने माइकल की फैमिली को किडनैप करके कायो पैरी को आइलैंड पर ले जाता है और माइकल उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और वहां पर जाकर सारे गार्ड्स को मारकर अपनी फैमिली को बचा लेता है और माइकल को लग रहा था कि उसकी जीत हो चुकी है लेकिन उसे नहीं पता था जिस डायमंड कसुना से उसने चोरी की थी उस कसुना का जो मालिक है वो और कोई नहीं लॉस सेंटोस के सबसे जाने माने गैंगस्टर डगन बॉस का भाई है जिसका नाम है एंथनी और अब देखना यह है कि माइकल डगन बॉस का सामना कैसे कर पाता है भाई यही है वो माइकल जिसने हमारे कसीनो से महंगे डायमंड स्टेच्यू को चूरा कर वहां से भाग गया था सुना है तेरे बारे में एक नंबर का चोर है तू तुमने आज तक छोटे मोटे गुंडों को मारा होगा लेकिन आज तुम्हारा पाला डगन बोस से पड़ा है भाई आप ही बताओ इसके साथ क्या करना है इसको ले जाकर के काल कोठरी में डाल दो और इसको इतना मारो कि ये बता दें कि इसके साथ और कौन कौन था लेके जाओ इसको भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ हाँ, जिंदा रखने के लिए क्यों कहा एंथनी अगर हमें इस लॉस सेंटोस शहर में राज करना है तो हमें एक गैंगस्टर की तलाश है जो हमारा काम कर सके और माइकल में मैंने वो गैंगस्टर वाली खूबी देखी है लेकिन भाई एंथनी एक बारी हमारा वो बड़ा काम हो जाए फिर माइकल को हम लोग मार करके फेंक देंगे So देखा होगा कि को ढूंढते आइलैंड आ चुके थे उस बंदे का पीछा करते -करते। लेकिन यार हम लोगों ने जैसे जैसे करके हम लोगों ने अपनी फैमिली को तो वहां से बचा लिया था और वहां पर जितने भी सारे गार्ड्स थे हम लोगों ने उन सबको मार दिया था लेकिन यार मेरे को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे डगन बॉस हमारी फैमिली को फिर से किडनेप कर लेगा जस्ट पता ना यहाँ पर क्या हुआ मैं अपनी फैमिली को ट्रेवर के साथ भेजे था लेकिन आगे डगन का भाई एंथनी ने हमारी फैमिली को फिर से किडनैप कर लिया अभी भाई माइकल भी डगन बॉस के साथ पहली बार भिड़ गया और यार इस समय हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है टग्गन बॉस के बॉडी ने माइकल को इतना मारा इतना मारा है कि भाई साहब माइकल ठीक से चल भी नहीं पा रहा मतलब कि ठीक से उठ भी नहीं पा रहा है और पता नहीं यार माइकल इस जेल के अंदर कब तक रहेगा या फिर माइकल को इन लोग छोड़ेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे वो तो भाई साहब डगन बॉस ही बता सकता है तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना कि आगे क्या क्या होता है अब गाइस डगन बॉस भी कहानी में वापस आ चुका है पता नहीं माइकल का क्या होगा क्योंकि हमें पता नहीं की माइकल अब इससे आगे क्या करने की सोचेगा क्योंकि डगन बॉस ने मुझे और मेरी फैमिली को इस आईलैंड के अंदर किडनेप कर लिया है, तो फिलहाल गाइस अभी मेरे को इस जेल में रहते रहते काफी समय हो गया ज्यादा और माइकल यार एक तो माइकल को इतनी बुरी तरीके से इन लोगों ने पीटा मारा कूटा है तो गाइस यार इसका बॉडीगार्ड मुझसे कुछ करने के लिए आया है तो मैं सबसे पहले इससे बात कर लेता हूं फिर मैं आपसे बात करता हूं कि आगे के सीन क्या है तो फिलहाल गाइस इस टाइम पर मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है मतलब कि डगन बॉस के बॉडीगार्ड से बात हो चुकी है ये बोल रहा है कि तुम्हें डगन बॉस ने मिलने के लिए बुलाया है बार, जल्दी से मेरे मेरे साथ चलो तो अभी गाइस को ना डगन बॉस के पास ले जाया जाएगा तो ओके भाई साहब जल्दी से हमारी बेड़िया खोल दो वैसे इन लोगों ने बेड़िया तो हमारे ऊपर बांधी नहीं थी सिर्फ इन लोगों ने माइकल को बेसबॉल बैट से मारा इतना कि भाई साहब पता ही भाई साहब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को और पता नहीं हमारी फैमिली और ड्राइवर क्या कर रहे होंगे डगन वॉश ने उन लोगों के साथ क्या क्या किया होगा हमें उसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है पता नहीं आगे क्या होगा डगन वॉश ने मुझे लगता है कि हमें उस डायमंड के बारे में पूछने के लिए बुलाया होगा लेकिन वो तो भाई साहब हम लोगों ने अपने फ्रेंड के साथ भेज दिया था लिबर्टी सिटी के अंदर तो वो ही पूछने के लिए हमको बुलाया होगा और माइकल ने बालास गैंग के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे कैसे हम लोगों ने वो रॉबरी की थी डायमंड की इसके डायमंड कसिनों से मतलब कि डगन बॉस के डायमंड कसिनों से तो खैर गाइस डगन बॉस इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है और वो चाहे तो हमें यहाँ पर जिंदा मरवा भी सकता है तो चलो भाई अभी हम लोग देखते हैं कि डगन बॉस हमारे सामने क्या बोलता है तो यार इतने सारे गार्ड्स को हम लोगों ने यहाँ पर मारा था फिर भी इन लोगों के इतने सारे गार्ड्स बच गए हमारे हाथों से और ये यहाँ पर वापस अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जगह लेकर वापस खड़े हो चुके हैं मतलब कि डगन बॉस की आर्मी इतनी बड़ी है कि भाई साहब हम लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते अभी भाई ये बोल रहा है कि धीरे धीरे चलो हमारे साथ और फाइनली गाइस ये खड़ा डगन बॉस और उसकी आर्मी ये खड़ी और हमारी फैमिली भी यहीं पर है ट्रेवर भी वो खड़ा और साथ में सब कुछ पहले जैसा हो गया है इतनी बुरी तरीके से माइकल को मारा है कि यार वो चल नहीं पा रहा और ये लोग ऊपर से टॉर्चर कर रहे हैं कि चान पट्टी करने की कोई कोशिश मत करो ओके ये खड़ा डगन बॉस और भाई साहब पास में एंथनी भी खड़ा हुआ है और यार ये देखो यार ब्लैक पैंथर और उस ब्लैक पैंथर को एकदम खुल्ला छोड़ रखा है और हमारी फैमिली को भी यहाँ पर डगन बॉस के सामने खड़ा कर रखा है तो भाई साहब बहुत ही गा मेरे को तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत ही सीन लग रहा है देखो यार एकदम कितना ख़तरनाक लग रहा है ये ब्लैक पैंथर पता नहीं यार ये हम पर अटैक भी कर सकता है तो मेरे को यार थोड़ा सा संभल कर रहना होगा इससे वैसे कुछ करेगा नहीं यार तो यार मैं कुछ मजबूर हूँ यार मैं सबसे पहले इससे बात करनी होगी फिर मैं आपसे बात करता हूँ तो जल्दी से मैं डगन बॉस से तो बात कर लेता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ तो ओके गाइस इस टाइम पर फिलहाल मेरी डगन बॉस से तो बात हो चुकी है और ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ और तुम्हारी फैमिली को भी मैं अभी छोड़ रहा हूँ लेकिन गाइस इसने एक कंडीशन रखी है हमारे सामने इसने बोला है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा और अगर तुमने वो मेरा काम नहीं किया और ये रहा है कि मुझ में इतनी पावर है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहीं पर मरवा सकता हूँ खत्म कर सकता हूँ तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली

लीडर को पकड़ने के लिए बोल दिया है और गाइस पलास गैंग को आप लोग जानती हो वो कितनी खतरनाक एंड पावरफुल गैंग है इतने गैंग के आदमी उस पला गैंग के बंदों के अब गायस उसके लीडर को हमें किडनेप करके इसके पास लाना होगा अब गायस मैं डगन बॉस को मना भी नहीं कर सकता हूं तो मैंने इसको हाँ बोल दिया है मैंने उसको बोला है कि ये रिस्क हम लोग उठाने के लिए तैयार है वरना हम लोग इसको ना बोलते तो भाई साहब ये हमारी फैमिली को मरवा सकता है यार बाकी यार गायस डगन बॉस ने पहले ही हमें बोल दिया था कि तुम्हें हमारे गैंग के लीडर को किडनेप करना ही होगा तुम्हें हमारा ये काम करना ही होगा नहीं तो भाई ये हमें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने

को किडनैप करने के लिए और कैसे कैसे सब कुछ करना है तो ये हमें वहाँ पर लॉस एंट्रॉस चल ही बताएगा तो इससे हमें शाम तक का वक्त दिया है तो हम लोग यहाँ से निकल गए हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और साथ में हमारी फैमिली भी और डगन बॉस के दो बॉडीगार्ड्स भी हमारे साथ आ रहे हैं लॉस एंड ओके okay, तो फिलहाल हम लोग जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और हमारी फैमिली भी पीछे वाली गाड़ी में आ रही है तो फिलहाल हम लोग इस गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ पर एक बार आप लोग सिक्योरिटी देखो यार मतलब कि यार बिल्कुल डगन बॉस ने एडवांस लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पर बुलवा ली है और यहाँ पर पहले भाई साहब हम लोगों ने इतने सारे बंदों को यहाँ पर मारा था वो तो कुछ नहीं थे यार असली सिक्योरिटी तो अब आई है तो यार बिल्कुल भाई साहब सही में डगन बॉस एकदम काफ़ी ख़तरनाक गैंगस्टर है और फिलहाल अपनी गाड़ी आ रही है अपनी फैमिली को लेकर भाई साहब हमारी फ़ैमिली को कहीं पर टूर मत लेके जाना यार हमारे साथ साथ ही लाना वरना इन लोगों का पता नहीं कुछ प्लान हो हमें मरवाने का कि हमको कहीं और ले जाया जा रहा हो और हमारी फैमिली को कहीं पर और तो फिलहाल ये लोग हमें लेके जा रहे हैं इस आइलैंड के एयरपोर्ट पर जहाँ पर प्रगन बोस ने पर्सनल एक एयरपोर्ट बनवा रखा है तो ये हमें वहीं पर लेकर जा रहे हैं तो शायद से वहाँ से हम लोग लॉस एंड जाएंगे तो अभी फ़िलहाल बातें बाद में करते हैं सीधा पहुँचते हैं एयरपोर्ट पर तो ऑल राइट गाइज तो मैं अपनी गाड़ी को बगाते बगाते लेकर आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर और भाई साहब गाड़ी मैं नहीं चला रहा इसके सिक्योरिटी गार्ड चला रहे डगन बॉस के और ये गाड़ी इतनी स्लो चलाते हैं ना भाई पता नहीं दो घंटे से हम लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं रेंगते रेंगते और यहाँ पर कुछ ट्रक्स वगैरह यहाँ पर खड़े हुए हैं शायद से यहाँ पर वेपन्स या फिर ड्रग्स वगैरह आए होंगे डगन बॉस के यहाँ पर दो तीन एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां भी खड़ी हुई है शायद से दूसरी कंट्री से वेपन्स या फिर ड्रग्स वगैरह इम्पोर्ट करवाता होगा यहाँ पर मेरे को पता नहीं है कि डगन बोस क्या बिजनेस करता है फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि डगन बोस शायद से वेपन्स या फिर ड्रग्स वगैरह का काम करता है तो फिलहाल यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी यहाँ पर भी है तो ऑल राइट गाइज तो हम लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं और ये लोग बोले हैं कि तुम इस हेलीकॉप्टर को लेकर अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ हम लोग भी लॉस एंड लॉस आ जाएंगे तो फिलहाल इन लोगों ने मेरे को बोल दिया है कि तुम इस हेलीकॉप्टर को ले जा सकते हो तो फिलहाल हम लोग जल्दी से इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं तो तो ऑल राइट मैंने अपने को फ्लाई कर लिया है और हमारी फैमिली भी इस चौपर में बैठ चुकी है और एक बारी मैं ऊपर से इस आइलैंड का नजारा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर डगन बोर्ड के जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर खड़े हुए हैं और यहाँ पर इतनी सारी बोट्स वगैरह खड़ी हुई है और ऊपर से कितना बड़ा आइलैंड है और यहाँ पर घने घने जंगल और इन टो में शायद कुछ ना कुछ माल लोड हो रहा है तो भाई साहब सही सीन है का तो फिलहाल हम लोग जल्दी से से अपने हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर को बगाते को को हुए लेकर चलते हैं सीधा बाकी यार मेरे अपना थोड़ा सा ढंग चलाना होगा क्योंकि यार साथ में हमारी फैमिली भी है तो कुछ भी हो सकता है यार तो सीधा सीधा और तो तो मैं अपने को बगाते बगाते आ चुका हूँ हम लोग लॉस एंड लॉस पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ फिलहाल हम लोग इस चॉपर को किसी ना किसी सेफ स्थान पर लैंड करवाना होगा क्योंकि यार यहाँ पर ओके यहाँ पर एक हेलीपैड है जहाँ पर हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवा देते हैं तो मेरे को अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा संभल का चलाना होगा मतलब कि संभल का लैंड करवाना होगा क्योंकि भाई साथ में हमारी फैमिली भी है हमारी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए तो मैं धीरे धीरे हेलीपैड के पास इस हेलीकॉप्टर को लेकर चलता हूँ ओके 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 ओ भाई साहब थोड़ा सा आगे निकल गया वापस लेकर चलता हूँ

तो कहीं यार लास्ट टाइम उसने बोला था कि उसके फ्रेंड की जी वैगन को डगन बॉस के बॉडीगार्ड्स ने ब्लास्ट कर दिया था फिर भाई साहब ये जी वैगन कहाँ से आई तो खैर कोई नहीं शायद से वो उसने अपनी जी वैगन रिपेयर करवा ली होगी या फिर किसी के दोस्त की होगी ये जी वैगन तो फिलहाल अभी का सुन कुछ ऐसा है कि फ्रैंकली अभी जाने वाला है हमारी फैमिली को लेकर होटल में और हम लोग जाने वाले हैं एक कार शोरूम के अंदर क्योंकि यार जब से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई है ना तब से हमारे पास कोई पर्सनल व्हीकल वगैरह नहीं है तो आज गाइस हम लोग अपनी एक पर्सनल व्हीकल ख़रीदने वाले हैं वो भी बाइस अपने खुद के पैसों से और अभी फिलहाल हम लोग अपनी फैमिली को होटल में ही रखेंगे क्योंकि यार हमारा घर थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ उसको रिपेयर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो उसका भी काम चल रहा है तो फिलहाल हम लोग जल्दी से सीधा पहुंचते हैं कार शोरूम के अंदर हाँ गाइस एक बात ये कि हम लोग कार शोरूम के अंदर नहीं जा रहे हम लोग एक कार बाज़ार के अंदर जाने वाले हैं तो गाइस अभी मेरे को ट्रेवर ने बोला है कि यहाँ पर एक कार बाज़ार है जहाँ पर एक बंदा है जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का सेलर है मतलब कि सेकेंड हैंड गाड़ियों को परचेस करके उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बेचता है तो अभी हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं और शायद से वो शोरूम कहीं यहीं आस पास होगा ओके ये रहा वो शोरूम तो जल्दी से हम लोग गाड़ी को ऊपर अंदर लेकर चलते हैं ओके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कार्स वगैरह खड़े हुए हैं तो हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में लगा देते हैं ओके तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं सीधा इस कार बाज़ार के अंदर और यहाँ पर मेरे को गाड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी खड़ी नज़र आ रही है ऊपर की तरफ तो जल्दी से इसके अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या सीन है यार कौन सी कौन सी गाड़िया है इसके पास तो फिलहाल हम लोग इसके सेलर से बात करते हैं और शायद से ये गाड़िया ओके शायद से ड्राइवर भाई आ जा और कुछ कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर रिपेयरिंग चल रही है क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि ये गाड़िया सेकेंड हैंड्स गाड़िया है जो कि यहाँ पर ये बंदर रिपेयर करके यहाँ पर सेल करता है तो यहाँ पर तो भाई सुपर कार्स भी है भाई लंबो और कितनी जैसी कार खड़ी कर रही है यहाँ पर और यहाँ पर एक फरारी जैसी गाड़ी खड़ी कर रखी है वैसे फरारी नहीं है वो ओह भाई साहब ये गाड़ी अच्छी लग रही है इसके फ्रंट में लाइटें ही लाइटें लगा रखी है इसमें चलो बैठ कर देखते हैं कि इसके साउंड कैसा है इस गाड़ी का भाई साहब ड्राइवर को बहुत ही जल्दी हो रही है बैठने की ओके okay, भाई साहब बहुत ही अच्छी गाड़ी है इसके टायर काफ़ी सारे छोटे है हैं तो चलो शोरूम का ऑनर घोड़ा जल्दी से हम लोग इससे बात करते हैं पर उससे पहले हम लोग इधर की साइड थोड़ी बहुत तो गाड़ियाँ वगैरह चेक कर लेते हैं ओके okay, ये ओ भाई साहब यहाँ पर एक पुराना सा ट्रैक्टर वगैरह खड़ा है इसकी हालत एकदम ज़्यादा ख़राब हो रही है लेकिन ये चालू है मतलब कि भाई साहब ट्रैक्टर भी इन लोगों ने यहाँ पर सेल करके रखा हुआ है इसको कौन खरीदेगा यार चलो कोई नहीं हम लोग ख़रीद लेंगे इसको बाद में अभी फिलहाल हम लोग सुपर कार्स वगैरह ख़रीदेंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जो कि एकदम नई कंडीशन में तो नहीं लग रहा है मेरे को और जेसीबी वगैरह खड़ी हुई है तो फिलहाल वो गड़ा शोरूम का ओनर जल्दी से मैं इससे बात करता हूँ कि मेरे को भी एक गाड़ी चाहिए जो कि सुपर कार चाहिए तो फटाफट से मैं जल्दी से इससे बात कर लेता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ ओके ये बोल रहा है कि असली गाड़ियाँ तो ऊपर खड़ी हुई है तो जल्दी से तुम मेरे साथ साथ चलो और यहाँ पर वैन्स वगैरह भी लोग खरीदने में लगे हुए हैं भाई साहब तो यहाँ पर तो मेरे को सामने एक गोल्ड लिमोजिंग दिख गई है जो कि सच में काफ़ी लंबी गाड़ी लग रही है लंबी गाड़ी लग रही नहीं है लंबी गाड़ी है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा अच्छी अच्छी कार्स है यहाँ पर एक जी वैगन खड़ी है जो कि फ्रैंकलिन के दोस्त के पास भी थी और यहाँ पर एक बी एमडब्ल्यू व्हाइट कलर में खड़ी हुई है और इधर की सामने एक बीएमडब्ल्यू ब्लैक कलर में भी खड़ी हुई है और एक बार इस जी वैगन को देखो यार इसका कलर मेरे को सच में काफी ज्यादा पसंद आ गया और यहाँ पर एक लैम्पबॉग नहीं खड़ी हुई है जो कि एक बंदा उसको साफ कर रहा है और साहब मेरे को वाइट कलर की बी एमडब्ल्यू में इसको सच में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है एक बार इसका कलर देखो यार यहाँ पर एक महिंद्र थार खड़ी हुई है और ये रेंज तो भाई साहब डगन बॉस के पास ही है और इसको परचेस करने की मेरी औकात नहीं है वैसे इन शोरूम के ऑनर ने तो परचेस कर रखी है तो फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी कार हमको लेनी चाहिए मैं और ड्राइवर सबसे पहले दोनों बात कर लेते हैं फिर इससे बात करते हैं ऑल राइट गाइस तो हम लोगों ने गाड़ी की डील फाइनल कर ली है और भाई साहब ट्रेवर इससे बात कर रहा है कि क्या पेमेंट होगा इसका क्योंकि भाई पेमेंट ट्रेवर ही करेगा और फिलहाल हम लोग जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं बाहर और फिलहाल ये गाड़ी हम लोगों ने परचेज की है बी की ट्रेवर इससे बात करके गाड़ी लेकर बाहर ही आ रहा है ट्रेवर ने बोला कि मैं गाड़ी लेकर बाहर आता हूँ तो गाइज यार हम लोगों ने फाइनली गाड़ी को परचेज कर लिया और ये गाड़ी हमको मिली है वन लैख डॉलर की जो सच में काफी ज्यादा मोटा खर्चा हो गया हमारा तो अभी हमारे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो फिलहाल हम लोगों ने गाड़ी तो परचेज़ कर ली है। अभी ट्रेवर आ रहा पीछे पीछे गाड़ी लेकर तो फिलहाल हम लोग इस कार बाज़ार से स्केप करते हैं यार क्योंकि काफ़ी समय हो गया यहाँ पर रहते हो रहते अभी हमको डगन बॉस के पास ही जाना है उसको मिलने के लिए क्योंकि यार डगन बॉस को अगर हम लोग नहीं मिले तो भाई साहब हमारी वो फैमिली की हमारी जान ही निकाल देगा हमारी जान निकाल देगा तो ओके इस मैं ट्रेवर का काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ और भाई साहब वो गाड़ी लेकर उस तरफ गया मतलब कि राइड लेने के लिए गया है ट्रेवर ओके okay, ट्रैवर भाई साहब मैं इधर खड़ा हूँ ओके okay, ये खड़ा ट्रैवर ओके okay, ये आ गया ट्रैवर और भाई साहब गाड़ी देखो यार वहाँ पर ले जाकर खड़ी करी की है इसने तो बी तो मेरे को काफ़ी सही लग रही है वैसे ये सेकेंड हैंड गाड़ी है पर फिर भी गाइज यार बी है हमारे पास भी तो माइकल का भी थोड़ा सा वट पड़ेगा कि माइकल के पास भी बी है तो फिलहाल गाइज हम लोग जल्दी से चलते हैं होटल जहाँ पर हमारी फैमिली रुकी हुई है और फ्रैंकलिन भी वहीं पर है और अभी थोड़ी देर में हमको डगन बॉस का कॉल आने वाला है तो देखो यार इस गाड़ी का साउंड बिल्कुल स्लो है मतलब कि इसका साउंड बिल्कुल ना के बराबर साउंड है जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में होते है ना वैसे साउंड है इस गाड़ी का तो सच में प्यारी गाड़ी है ये ओके तो गाइस इस हमको कब से इधर से उधर इधर से उधर घुमाते ही जा रहा है मतलब कि ड्राइवर को इतनी गाड़ी ज़्यादा पसंद आ गई है ना कि वो उसको चलाता ही जा रहा है चलाता ही जा रहा है अभी भाई साहब जल्दी से होटल लेके चल हमको डगन बॉस के पास जाना है बिल्कुल भी मान ही नहीं रहा है ट्राइवर भी ऑल राइट गाइस तो मैं अपने बी को भगाते भगाते लेकर आ चुका हूँ इस होटल पर जहाँ पर हमारी फैमिली रुकी हुई है और फाइनली हम लोगों ने ये होटल बुक करी थी गाइस और जल्दी से मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और ट्रेवर अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा कर आता है तब तक हम लोग जल्दी से चलते हैं अपनी फैमिली से मिलते हैं ओके तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली को मिलने के लिए होटल में और यहाँ पर हमारी फैमिली रुकी हुई है और सामने एक मिरर लगा हुआ है जहा पर हम लोग अपनी शक्ल वगैरह देख सकते हैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना ओके तो यहाँ पर गाइस सीन ऐसा है कि हम लोग अपना खाना खुद ही बना सकते हैं इस होटल में क्योंकि अमेंडा वगैरह खाना वगैरह यहाँ पर बना रही है और यहाँ पर फ्रैंकलिन वगैरह यहाँ पर कुछ बातें वगैरह कर रहे हैं ओके यहाँ पर जिमी टेलीस्कोप से कुछ देख रहे हैं और यहाँ पर देखो यार यहाँ से पूरा लॉस एंड सिटी दिखती है यहाँ से और सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू है और यहाँ पर एक स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं जहाँ पर जिमी सॉरी ट्रेसी डांस वगैरह कर रही है और ये ट्रेवर और फ्रैंकलिन यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं मैं जल्दी से उनकी बातें सुनता हूँ भाई साहब फ्रैंकलिन को देखो यार यहाँ पर घर में ही सिगरेट पी रहा है फैमिली के सामने तो ओके गाइज अभी फिलहाल मेरे को डगन बॉस का कॉल आ रहा है मैं जल्दी से उससे बात कर लेता हूँ क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ बाद में ऑल राइट right, तो मेरी पर फिलहाल डगन बॉस से बात हो चुकी है और भाई साहब डगन बॉस ने मेरे को अभी अभी कॉल करके बोला है कि तुम कहाँ पर हो मैंने तुमको शाम को पांच बजे का वक्त दिया है और अभी टाइम हो रहा है पांच बज के तीस मिनट यानी कि हम लोग आधा घंटा लेट है डगन बॉस से मिलने के लिए और वो बोल रहा है कि जल्दी से तुम मेरे पास आओ नहीं तो भाई साहब तुम हो अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा तो एक सेकंड भाई ट्रेवर कुछ कहना चाहता है? है कि तू भी आ डगन बॉस के पास तो, तो फिलहाल मैं और ट्रेवर जल्दी से पार्किंग में पहुंचते हैं और अपनी बी को उड़ाते हुए लेकर चलते हैं सीधा डगन बॉस के पास जल्दी से मैं पार्किंग में एंटर हो जाता हूँ ओके okay गाइस तो मैं अपनी होटल की पार्किंग में आ चुका हूं और फिलहाल ये खड़ी हमारी बी और भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है हमारी बी तो फिलहाल जल्दी से इसमें बैठ कर चलते हैं डगन बॉस के पास और डगन बॉस बोल रहा था कि तुम अपने दोस्त ट्रेवर को भी साथ लेते आना मुझे उससे कुछ काम है मतलब कि भाई डगन बॉस को ट्रेवर का क्या काम आ पड़ा खैर चलो ट्रेवर भी आ ही रहा है वैसे भी और ट्रेवर ने साह से गाड़ी का गेट सही से बंद नहीं गया भाई साहब ट्रेवर सही से गाड़ी का गेट बंद कर ले ओके okay, तो मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाल लिया है अभी हम लोग इसको तेज़ स्पीड में भगाते हैं देखते हैं कि इस बी की स्पीड कितनी है अभी तक तो मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि हम लोग शोरूम से गाड़ी परचेज़ करके लाए थे तभी ट्रेवर चला रहा था मैंने तो इस गाड़ी को एक बार भी नहीं चलाया तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पर थोड़े बहुत गाड़िया वगैरह आ रही है तो इसको थोड़ा बहुत संभल के चलाना पड़ेगा खाली रोड हो ना उसमें हम लोग तेज स्पीड में भगाते हैं और गाइस यार अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक हमारा एपिसोड देख लिया है तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट मिलेगा और ये वाली मुझे स्पैम कर देना मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने मेरा यहाँ तक एपिसोड देख लिया तो अभी फिलहाल इसको खाली रोड आ चुके आगे तो इसको तेज स्पीड में भगाते ओ नहीं नहीं वेट पे अभी भाई साहब ठुक जाती गाड़ी ओके यहाँ पर भाई साहब चलाना सही नहीं है यार थोड़ा सा मतलब कि हाईवे आने दो फिर इसको तेज स्पीड में भगाते हैं और शायद से मेरे को लगता है कि आगे जाके हाईवे आएगा ऑल राइट गाइस तो मैं अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में भगाते हुए लेकर आ चुका हूँ डगन बॉस की दी हुई लोकेशन पर जहाँ पर उसने मेरे को बुलाया है और सामने आते ही मेरे को यहाँ पर तीन बाइकर्स वगैरह दिख गए और भाई साहब वो देखो एक बाइकर्स ने मेरे को उंगली बताई रुक जाती रही ऐसी की तैसे मैं अपनी गल निकालने तो बाहर एक सेकंड अभी भाई साहब गाड़ी का शीशा टूट गया वो भाई एक सेकंड मेरे अटैक करने लगे अभी भागो भागो वेट 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 विट अभी भाई साहब और ट्राइवर को भाई साहब देखो यार वो ऐसे ऐसे कर रहा है तो फिलहाल यहाँ से भाग दे जल्दी से कहीं इसके कोई और गैंग में आ जाए तो फिलहाल भाई ये जो आप लोग बिल्डिंग देख पा रहे हो ये डगन बॉस की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जहाँ पर इसने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है मतलब कि अभी वर्क चल रहा था इसमें पर कुछ दिनों के लिए डगन बॉस ने यहाँ पर वर्क बंद कर रखा है पता नहीं क्यों और यहाँ पर डगन बॉस की सिक्योरिटी भी मेरे को सामने खड़ी हुई नज़र आ चुकी है तो फिलहाल यहाँ पर अपनी गाड़ियों यहाँ पर पार करते हैं और सीधा चलते हैं डगन बॉस को मिलने के लिए और भाई साहब यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सीन लग रहा है मेरे को तो यहाँ पर शायद से डगन बॉस क्या बनाने की सोच रहा है शायद से होटल बनाने की कुछ सोच रहा होगा रूम्स वग़ैरह और यहाँ पर शायद से पहले कुछ हादसा वगैरह हुआ था इसकी वजह से डगन बॉस को ये वर्क रोकना पड़ा था तो फ़िलहाल यहाँ पर डगन बॉस की सिक्योरिटी तो आई हुई है उसकी रेंज रोवर भी खड़ी हुई मेरे को मिल गई है तो मैं इससे बात करता हूँ ओके ये बोल रहा है कि उधर की तरफ जाओ तो फ़िलहाल यहाँ पर डगन बॉस की गाड़ियाँ देखो यार एकदम एकदम सेम सेम गाड़ियाँ इसके बॉडी गार्ड्स की और बिल्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और लगता है डगन बॉस के बाद काफ़ी ज़्यादा पैसा है एक तो यार उसने आइलैंड पर कब्जा कर लिया कायो पैरू को पर और यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर होटल्स वगैरह बनवा रहा है तो यहाँ पर मेरे को पूछना पड़ेगा यहाँ से कैसे जाना डगन बॉस कहाँ पर बैठा हुआ है तो ओके कह फिलहाल मेरी इस गार्ड से बात हो चुकी है और ये बोल रहा है कि डगन बॉस तुम्हें इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मिलेगा मतलब कि रूफ टॉप पर बैठा हुआ है तो मेरे को लगता है कि टॉप फ्लोर पर जाने का रास्ता शायद से यही है यहाँ से सीढ़ी से होते हुए जाना होगा तो फिलहाल हम लोग यहाँ से सीढ़ी से होते हुए सीधा चलते रूफ टॉप पर जहाँ पर डगन बॉस बैठा हुआ और ट्रैवर भाई तू संभाल कर आना सीढ़ी से कहीं गिर मत जाना वरना भाई प्रॉब्लम हो जाएगी तो भाई साहब धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं और बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यार लो कितनी बड़ी सीढ़ी लगा रखी है और शायद से हम लोग पहुँच चुके हैं पर यहाँ पर मेरे को तो कोई दिखा नहीं दिया है ओके भाई ट्रेवर भी आ चुका है और शायद से हमको एक सीढ़ी और चढ़नी होगी यार कितनी सारी सीढ़ियाँ लगा रखी है और अभी तक भाई साहब अभी तक तो हम लोगों ने छोटी वाली बिल्डिंग क्रॉस की मतलब कि छोटी वाली बिल्डिंग पर आ चुके हैं और शायद से मैं इस गार्ड से बात कर लेता हूँ अब किस तरफ से जाना होगा शायद से मेरे को अंदाज़ा है कि यहाँ से होते हुए हो जाना होगा तो यहाँ पर रास्ता कैसा बना रखा है यार एकदम डेंजर रास्ता बना रखा है यहाँ पर ओके okay, धीरे धीरे हम लोग चलते हैं ट्रेवर भाई यहाँ से आराम से आना कहीं नीचे मत गिर जाना वरना भाई तेरी लग जानी है यहाँ पर भाई साहब कौन बचाएगा ट्रेवर को तो चलो भाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं डगन बॉस के बिल्डिंग के रूफटॉप पर जहाँ पर इसने अपना अड्डा बना रखा है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज लगा रखी है और यहाँ पर डगन बॉस यहाँ पर बैठा हुआ है यहाँ पर इसका भाई एंथनी भी है और यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक हथियार वेपन्स वगैरह पर वेपन्स वगैरह लोड करवा रखे हैं। मतलब यहाँ पर कुछ भी फाइट वाला सीन हो जाए ये लोग यहाँ पर यहीं पर गोलियां बरसाने लग जाते हैं। और यहाँ पर देखो यार कितनी सारी वेपन्स की पेटियां रखी हुई हैं यहाँ पर अभी अभी इम्पोर्ट करवाया इसने और गाइस शायद से हम लोग कायो आइलैंड गए थे उन ट्रकों में भी वेपन्स ही आया होगा तो फिलहाल मैं जल्दी से डगन बॉस से बात कर लेता हूँ और उस तरफ देखो यार दो बड़ी बड़ी अलमारी रखी हुई है उस अलमारी में गाइस पिस्टल्स वगैरह रखी हुई है भरी पड़ी है तो फिलहाल डगन बॉस से मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ और वो क्या कहता है मैं जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ ऑल राइट गाइस तो मेरी यहाँ पर डगन से बात हो चुकी है भाई साहब और डगन बॉस ने हमको ऐसा बोला है कि बलास गैंग के लीडर जो टॉनी है उसको किडनैप करने के लिए इसने मेरे को प्लान समझा दिया है और इसने बोला है लॉस सेंटोस में एक बॉक्सिंग क्लब है जहाँ पर वो बंदा बॉक्सिंग करने के लिए आता रह जाता रहता है मतलब कि बलास गंगा जो लीडर है वो वहाँ पर बॉक्सिंग करने के लिए आता जाता रहता है मतलब तो उसने बोला है कि हमको वहीं पर से उसको उठाना है और डगन बॉस बोल रहा है कि तुम्हारी तो बलास गैंग वालों से काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी वो तुम्हें अंदर जाने दे सकते हैं उस बॉक्सिंग क्लब में तो फिलहाल गाइज ये बोल रहा है कि तुम जल्दी से उस बॉक्सिंग क्लब में जाओ और उस बंदे टॉनी को किडनेप करके मेरे पास ले आओ और ये बोल रहा है कि तुम्हारे दोस्त ट्रेवर को तुम यहीं पर रहने दो गिरवी मतलब कि भाई डगन बॉस ने ट्रेवर को गिरवी रखने के लिए साथ बुलाया था भाई डगन बोस को इतना भी विश्वास नहीं है हमारे ऊपर और गाय इसने मेरे को वो लोकेशन बता दिए जहाँ पर वो बॉक्सिंग क्लब है और हमें वहां पर जाकर तो ऑल राइट मैं डगन बॉस से बात करके इस बिल्डिंग से नीचे आ चुका हूँ और अभी मैं फिलहाल जल्दी से बाहर चलता हूँ अपनी बी के पास और उस बी को लेकर चलता हूँ उस बॉक्सिंग क्लब में जहाँ पर वो बंदा टॉनी बॉक्सिंग कर रहा है और डगन बोस ने बोला कि वहाँ पर पूरी की पूरी बलास गैंग भी है तो भाई साहब बलास गैंग से साथ तो अब तक तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो कब से हमारे अच्छे दोस्त थे लेकिन अब शायद से मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि यार उसके गैंग के लीडर को किडनैप करना कई वो माइकल को किडनैप ना कर ले या फिर बलास गैंग वाले मिलकर माइकल को मार ना डाले वो तो भाई साहब वहीं पर चलकर पता चलेगा तो फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को तेज़ स्पीड में भगाता हूँ और यार इस और यार एक तो हमारी गाड़ी का एक तो पीछे वाला गेट शायद से मिस्टेक कर करा नहीं नहीं ओके लग गया फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से तेज़ स्पीड में भगाता हूँ सबसे पहले मेरे को काम करना होगा मेरे को भी एक बॉक्सिंग वाले थोड़े बहुत कपड़े वगैरह पहनने होंगे ताकि हम लोग भी वहाँ पर बॉक्सिंग जाकर थोड़ी बहुत तो फ़ाइट हमको भी करनी पड़ेगी वहाँ पर तो फिलहाल मैंने जल्दी से यहीं पर कई आस पास कपड़ों की शॉप ढूंढता हूं जहां पर हमको बॉक्सिंग वाले कपड़े मिल जाए तो वो पहन कर हम लोग जा सके उस बॉक्सिंग क्लब में ऑल राइट गाइस तो मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते लेकर आ चुका हूं कपड़ों की शॉप पर मेरे को आस पास यहीं कई आस पास कपड़ों की शॉप मिली थी ओके okay, ये रही और भाई साहब कहाँ पर बेच में लेके जा रहे हो गाड़ी वैसे गाए तो उसकी गलती नहीं थी हम हमें फास्ट चला कर आ रहे थे ओके तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर के पास ही एक सब अर्बन नाम की शॉप है तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को हम लोग पार्क कर लेते हैं और नीचे उतरते हैं और यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं तो फिलहाल चल कर देखते कि क्या सीन है और अच्छे बॉक्सिंग वाले कपड़े मिल गए हमको भी तो यहाँ पर हम लोग पहन कर जाएंगे बॉक्सिंग क्लब में और वहाँ पर ख़तरनाक वाली फ़ाइट हम लोग भी करेंगे वहाँ पर तो जल्दी से मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी आउटफिट पड़ी हुई है यहाँ पर शर्ट्स वगैरह नहीं पहने मेरे को यहाँ पर मेरे को कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनने ओके okay गाइस तो मैंने यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत आउटफिट थोड़ा बहुत गेटअप चेंज कर लिया और यहाँ पर मेरे को कुछ खास कपड़े मिले नहीं सिर्फ मैंने नीचे का शॉर्ट्स चेंज कर दिया है और हाथ और हाथों में मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिए ताकि हम लोग थोड़ी बहुत वो ऐसे लगे वैसे भी उस पर वैसे भी वहाँ पर जाकर मेरे को सीरियस वाली फ़ाइट नहीं खाली मेरे को वहाँ पर जाना है और उस बंदे से थोड़ी बहुत बातचीत करके थोड़ी बहुत सेटिंग बैठा करके तो उस बंदे को किडनैप करके लाना होगा और डगन बॉस ने बोला है कि उसको जिंदा पकड़ के लाना होगा अगर तुमने उसको कुछ भी कर दिया तो भाई साहब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो ये भी भाई हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम है तो फिलहाल हम लोग जल्दी से अपनी गाड़ी को भगा दें फुल रफ्तार में गाड़ी को भगा दें और लेकर चलते गाड़ी को सीधा लॉस एंड अरे भाई साहब कहाँ गाड़ी देख चला रहे हो यार भाई साहब एकदम पागल से बंदे यार इन लोगों को चलाना भी नहीं आती है गाड़ी को एकदम भाई साहब पता ही नहीं चलता गाड़ी चलानी नहीं आती यार मैं देखता हूँ कि हमारी गाड़ी को कुछ हुआ है या फिर नहीं ओके अभी तक तो मेरी गाड़ी सेफ लग रही है चलो यार अभी हम लोग चलते हैं यार वरना काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिलहाल मैं जल्दी से रहा पहुँचाऊँ उस बॉक्सिंग क्लब में तो ऑल राइट गाइस तो मैं अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में भगाते हुए लेकर आ चुका हूँ लॉस सेंटोस के बॉक्सिंग वाले क्लब में जहाँ पर वो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब बना रखा डगन बॉस ने बोला था और शायद से यहाँ पर एक फैक्ट्री वाला इलाका है जहाँ पर कौन सा बॉक्सिंग क्लब होता है ओके okay, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है शायद से मेरे को लोकेशन तो इसी की मिली है कि यहाँ पर अंदर जाना होगा शायद से हम लोग अपनी गाड़ी को अंदर ले चलते हैं ओके दरवाज़ा नहीं खुला भाई किस तरफ़ है यार बॉक्सिंग क्लब चलो चलो अपनी गाड़ी को शायद से थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलते हैं यहीं कहीं आसपास होगा शायद से ढूंढते यार तो उधर की साइड हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं और यहाँ पर शायद से हम लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा बॉक्सिंग वाला इलाका यहाँ पर अपनी गाड़ी को एक बार चेक कर लेते हैं नीचे उतर कर देखते हैं आस पास कहीं जाने का रास्ता हो तो ओके ओके भाई साहब हमको गाड़ियाँ दिख गई ओके भाई साहब मेरे को बलास गैंग वालों की गाड़ियाँ दिख गई है वो ब्लू कलर की जो गाड़ियाँ हैं वो बलास गैंग वालों की है तो फिलहाल मैं अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़े से अपनी गाड़ी को उस तरफ लेकर चलता हूँ वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर लेंगे एकदम व्यवस्थित तरीके से और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई और भाई साहब ये मेरे को इलाका याद आ गया ये गाइस वेगौस गैंग जो कि लॉस एंटोज की दूसरी वाली गैंग है वेगौस गैंग उसका इलाका भी है मतलब कि यहाँ पर वेगौस वाले बंदे भी यहाँ पर है ये देखो गाइस ये दो बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं ये वेगौस गैंग के बंदे ही है और यहाँ पर साइड में ही बलास गैंग वाले हैं मतलब कि बलास गैंग वालों की और वेगौस गैंग वालों की दोनों की एक दूसरे में आपस में फाइट चलती रहती है तो ज़्यादा कुछ कहते नहीं है और ये देखो यार बलास वाले देख दो एकदम दादागिरी पे चाकू तलवार लेके खड़े हुए हैं और तो जल्दी से मैं इनसे बात करता हूँ कि भाई अंदर मैं जा सकता हूँ क्या तो शायद से ये लोग माइकल को पहचानते हैं इसीलिए ये लोग बोल रहे कि जाओ तुम अंदर तो फिलहाल हम लोग बॉक्सिंग क्लब के अंदर आ चुके हैं और भाई साहब माइकल का तो रंग ही बदल गया है भाई साहब बिल्कुल हम लोग भी चौड़ में आ चुके हैं हम लोग इस बंदे को पीटेंगे चलो भाई साहब पहले बॉक्सिंग करने के लिए आए तो इसको हम लोग पीटते थोड़ी बहुत चल हाले दारू पी के सोता रहता है भाई साहब सो गया एक सेकंड तेरे तो तेरे को तो मैं ऐसा लात मारूंगा मैडम जी बैठे हुए इधर एक लात तो मारने दो एक सौ चल निकलते रही ऐसे की तैसी साले दारू पिता दारू पिता ओके भाई साहब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यार इसने काफी ज्यादा पी रखी है और यहाँ पर एक मैडम जी बैठे हुए है जो कि मस्त चिल में बियर वियर सब कुछ पी रही है और अंदर हम लोग आ चुके हैं और ये देखो भाई साहब यहाँ पर फाइट वाइट चल रही है और शायद से वो बंदा वही है जो कि इसका नाम है टॉनी उसी को हमको शायद से किडनैप करना है जो कि है बलास गैंग का जो लीडर है कुछ कुछ जगहों पर बलास गैंग के आदमीज भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर मस्त बियर वियर की बोतलें वगैरह पड़ी हुई है और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चेक कर लेता हूँ घूम के कि चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं ताकि हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकें कहाँ पर भागने का रास्ता है ताकि हम लोग उस बंदे को किडनैप करके लेके जा सके ओके यहाँ पर लोग वगैरह चेयर्स वगैरह कर रहे हैं ओ भाई ये क्या है ओके यहाँ पर एक जाली लगा रही है बिल्कुल कवर कर रखी है ओके वो अंदर कुछ अलग ही सीन चल रहा है वो हमको नहीं देखना है वो भाई साहब ओके ये भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब ताली बजानी है तो अंदर जाके बजाओ ना फुल चौड़ में जाके ओके okay, मैडम जी सॉरी यार धक्का लग गया ओके okay, तो फिलहाल तो गई मैं सबसे पहले डगन बॉस को फ़ोटो खींच कर भेजता हूँ एक कि कंफर्म इसी बंदों को उठाना हमको ताकि कंफर्म हो जाओ मैं तो फिलहाल मैं अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींच लेता हूँ तो फिलहाल मैं अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींच लेता हूँ उस बंदे का ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमें इसी बंदे को उठाना है और ये मैं फ़ोटो खींच लिया मैंने और मैं जल्दी से डगन बॉस को ये फ़ोटो सेंड कर देता हूँ ऑल राइट गाय तो मेरी फिलहाल डगन बॉस से बात हो रही है और डगन बॉस मेरे को फ़ोन पे ऐसा बोल रहा है कि बिल्कुल यही बंदा है इसी बंदे को तुम्हें उठवाना है यहाँ से तो गई पहले हमको थोड़ी बहुत इससे फाइट करनी पड़ेगी फिर डगन बॉस ने बोला है कि मौका मिलते इसको उठा लेना फिलहाल हम लोग भी मैदान में आ चुके हैं फाइट करने के लिए और ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं चल निकलते रहे इसके तेजी इसको अभी हम लोग थोड़ा बहुत मारते चल निकल ओ ओ ओके अभी मज़ा आएगा फाइट करने में भाई साहब माइकल भी फुल चौड़ में आया भाई साहब शॉर्ट्स शॉर्ट्स पहन के एकदम इसके पेट में रख के दूंगा साल निकल तेरी लात दूंगा इसके निकल ओ भाई साहब अरे भाई साहब बात अरे अरे कैसा कैसे मार रहा बंदा हाथ रुक जा तेरी ऐसे की तैसी मेरे को पूरा प्रॉपर हो नहीं होने दो निकल निकल तेरी ऐसे नि, निकल कुत्ते साले निकल तेरी भैंस के आप ओह भाई साहब ये तो काफ़ी ज़्यादा रख रखे रहा माइकल के एक सेकंड रुक जा तेरी ओके नीचे गिर गया नीचे गिर गया काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल गया इसके निकल या साले कब से परेशान कर रहा मेरे को तेरे को उठाना मैं ज़्यादा तेरे को ज्यादा ज़ोर से भी मैं तेरे को मार नहीं सकता वरना भाई साहब डगन बोस को प्रॉब्लम हो जाएगी वरना भाई साहब माइकल का पंच इतना पावरफुल है ना क्योंकि एक पंच में ढेर हो जाएगा तू निकल साले अभी तो मैं इसके लात मारूंगा रख रख के निकलते रहे ऐसी तरह से निकल साले अबे भाई साहब उल्टा मेरे को ही मारा अब यार काफ़ी देर हो गई इसको मारते मारते और ये तुम इनको मार ही जा रहा इतना पावरफुल है क्या ये एक सेकंड रुक जा अभी रुक जा एक सेकंड अभी मारूंगा तेरे को निकल ऐसे के से बैंस निकल साले ओके ओके भाई साहब गिर गया 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 बेहोश बेहोश हो हो गाइस फाइनली हम लोगों ने उसको बेहोश कर दिया है अभी हम लोग इसको कंधे पर उठा कर लेकर जाना है तो फाइन अभी गाइस यहाँ पर जो जितने भी सारे लोग हैं वो हमारे लिए चेयर्स वगैरह करे और भाई साहब वेट वो बंदा उठकर भाग रहा है एक सेकंड रुक जा तेरी ऐसे की तरह से मेरे को अपनी गन निकालने दो अरे भाई साहब वो भाग रहा है मतलब कि इस बंदे को पता चल गया कि ये हमें किडनैप करने के लिए आया अभी रुक जाए यार भागना नहीं चाहिए ये रुक जाले निकल साले ओ भाई साहब तू हट यार साले निकल गाड़ी से बाहर ओ भाई साहब वेट प्रॉब्लम हो गई ये तो अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा है यहाँ से मेरे को जल्दी से उसका पीछा करना होगा फटाफट फटाफट फटा फटा और यहाँ पर वेगौस गैंग को कुछ नहीं करना चाहिए यार मेरे को भी फाइट करने की आदत है यहाँ पर तो जल्दी से फिलहाल हम लोग अपनी पी एम से उसका पीछा कर दें वरना वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा और भाई साहब डगन बॉस का सपना सपना ही रहे मतलब कि डगन बॉस का काम अधूरा रह जाएगा ओके फिलहाल वो जा रहा अपनी गाड़ी येलो गाड़ी लेकर तो फिलहाल जल्दी से मेरे को इसको शूट करना मेरे को उसको मारना नहीं है एकदम मेरे को तरीके से उसको अपने जाल में फंसाना है और यार गाड़ी को रोक ले यार कितनी स्पीड भगा रहा है और अपनी पी की वाट लग गई है भाई साहब कितनी बारी टूट चुकी है और भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी कैसे चला रही है तो रुक तरी ऊपर गेट रुको रुको यार रुको रुको यार वो तो काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड में पकड़ लेकर चला गया है अभी भाई साहब उसकी गाड़ी तो यार मेरी गाड़ी से तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है उसकी और मेरी अपनी पी एम को भी थोड़ा सा संभाल के चलाना होगा यार दो तीन बार मैं ठुकी गई यार इनसे बंदे को चक्कर में भाई साहब दूसरी तीसरी बार ठुक गई लो यार लग गया कल्याण हो गया कल्याण अभी भाई साहब जैसे भी हो यार अपनी बी को छोड़ो सबसे पहले उस बलास गैंग के लीडर को हमें पकड़ना होगा एक दो गाइस हमारे पास एक सस्ती सी पिस्टल है इससे हमारा कुछ नहीं होगा और एक सेकंड पर ट्रक वाला आ गया अरे भाई साहब ये ट्रक वाला एकदम पागल है यार हमारी बी को एकदम जबरदस्ती टक्कर देकर चला गया और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग भी डर गए हैं और गाइस यार वो देखो यार कितनी स्पीड गाड़ी भगा कर लेके जा रहा है अरे गाड़ी की क्या हालत हो गई है आगे से पूरा बंपर उखड़ गया है उस बंदे को हमको पकड़ना होगा और यार वो तो कितनी स्पीड गाड़ी लेकर जा रहा है मेरे को तो लगता है कि ये शायद से हमारे हाथ से निकल ही जाएगा ओके okay गाइज ये बंदा हमको इधर से उधर उधर से उधर कब से भगाते जा रहा और फाइनली अब जाके एक कच्चे रास्ते पर आ गया है मुझे लगता है कि शायद से अब एक ज़्यादा देर तक नहीं जाएगा क्योंकि यार इसकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है और यार हमारी बी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है आगे से देखो यार कैसी हालत हो चुकी है हमारी बी की और हमारी स्पीड भी बिल्कुल स्लो हो चुकी है बी की यार अब क्या हो गया यार वो तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड चला रहा है गाड़ी को और शायद से उसकी गाड़ी में कुछ ना कुछ बूस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं इसकी वजह से वो इतनी तेज चला रहा है वो शायद से राइट गया होगा ओके, वो वही जा रहा अभी फटाफट से मेरे को उसको पकड़ना होगा नहीं तो भाई साहब गैंग पूरी यहाँ पर बचाने के लिए आ जाएगी और भाई साहब माइकल को भी पकड़ लेगी वो हमारे लिए सही सीन नहीं होगा तो यार वो तो देखो यार कितनी स्पीड भगा रहा है और हमारे हाथ पे भी नहीं चढ़ रहा वो ओके गाइस उसकी गाड़ी ठुक चुकी है फाइनली अभी हम लोग भी नीचे उतर जाते हैं और भाई साहब वेट माइकल नीचे गिर गया अब फटाफट से जल्दी से भाग कर चलते हैं यार वरना वो कहीं भाग ना जाए ओके शायद से वो नहीं भागा होगा ओके वो शायद से बेवस हो गया चल भाई जल्दी से उठ जा नहीं तो भाई तुझे मैं यहीं पर रेस्टेंट पीस कर दूंगा जल्दी से हाथ ऊपर कर और फटाफट गाड़ी में बैठ जा नहीं तो भाई तुम मेरे हाथ से अभी यहीं पर मर जाएगा और यार हमारी बी को देखो यार उस तरफ यार अपनी हालत ख़राब हो चुकी है अभी हमको अपनी बी को यहीं पर छोड़ना होगा इसको हमको सबसे पहले डगन बॉस के पास छोड़ आना होगा क्योंकि भाई डगन बॉस का काम पहले करना होगा हमको तो फिलहाल मैं जल्दी से डगन बॉस के पास पहुँचता हूँ ओके गाइज़ मैं अपनी गाड़ी को तेज़ स्पीड में भगाते हुए लेकर आ चुका हूँ डगन बॉस के हेडकोार्टर पर जहाँ पर वो हमारा इंतज़ार कर रहा है तो फिलहाल गाइज़ मैंने फाइनली टोनी को तो किडनैप कर लिया है तो अभी फ़िलहाल इसको लेकर चलते हैं डगन बॉस के पास और अभी भाई मैं इसको लेकर आ रहा था रास्ते में और इसने भाई साहब दो बारी छलांग लगा ली थी वो तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने इसको पकड़ा था वरना तो भाई साहब ये हमारे हाथ से इसकेप हो जाता और भाई साहब डगन बॉस को हम लोग क्या ही जवाब देते अभी भाई इसको गाड़ी में हम लोगों ने ठीक से बांध कर रखा हुआ है ओके तो फाइनली हम लोग इसको यहाँ पर लेकर आ चुके हैं और भाई साहब गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा सही है ये अभी भाई साहब मैं इसको गन पॉइंट रख के नीचे उतारता था जल्दी से बाहर निकल अभी चुपचाप मैं कहता हूँ वैसा ही कर नहीं तो भाई तू यहीं पर रेस्ट एंड पीस हो जाएगा कि okay, डगन बॉस और उसके आदमी और एंथनी भी आ चुका है अभी ये चल कर जा रहा है डगन बॉस के पास और हमारा काम तो ख़त्म हुआ यहाँ पर डगन बॉस अभी हम लोग देखते हैं कि डगन बॉस इसके साथ क्या क्या करता है और शायद से डगन बॉस इसको यहाँ पर मरवाने के लिए लाया होगा हमारे साथ